विपक्ष में डीएमके ने कहा कि राहुल गांधी को नेता घोषित करना चाहिए, बीजेपी क्या चाहेगी? आप क्या चाहेंगे कि सामने राहुल गांधी का चेहरा हो तो आपके लिए आसान है या ना हो तो आपके लिए आसान है? देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। डीएमके ने कहा कि राहुल गांधी नेता होंगे गठबंधन के, लेकिन एक साथ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम, टीएमसी, आपके शरद पवार जी ने, इन सभी लोगों ने एक सिरे से इसको खारिज कर दिया। खुद कांग्रेस ने, खुद कांग्रेस नहीं बोल रही, को कहा कि नहीं, राहुल गांधी को हम लोग नेता नहीं मानते। तो जब गठबंधन के लोग ही राहुल गांधी को नेता नहीं मानते हैं तो ये कांग्रेस का अपना व्यक्तिगत वो है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी अगर आते हैं सामने, हमारे लिए लड़ाई और आसान होती है। क्यों, उनके आने से लड़ाई आसान क्यों हो जाएगी? अभी तो उन्होंने 3 राज्यों में हरा दिया आपको। देखिए राहुल गांधी ने हराया नहीं, राहुल गांधी ने झूठ बोल करके जनता को गुमराह करने में सफल रहे। लेकिन मेरा ये मानना है राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस इस प्रकार के झूठ बोल करके बहुत अधिक दिनों तक जनता को गुमराह नहीं कर सकते। आप क्रेडिट नहीं दे रहे हैं राहुल गांधी को, आप कह रहे हैं राहुल गांधी ने नहीं हराया। मैं क्या कह रहा हूं ना, मत प्रतिशत आप देखें, जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में स्पष्ट दिखता है। राजस्थान की लड़ाई कितनी जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी है, ये सारी चीजें इस बात को बताती हैं कि जब लोकसभा का चुनाव होगा तब ये लोकल इश्यूज नहीं होंगे, नेशनल इश्यूज पर इलेक्शन होंगे। देश की सेना के प्रति कांग्रेस के जो वक्तव्य हैं, देश की सुरक्षा के साथ कांग्रेस ने जो खिलवाड़ किया है, और यही नहीं, देश के अंदर देश के परसेप्शन को जितना प्रदूषित करने का कांग्रेस ने प्रयास किया है, जहां एक तरफ ये मुद्दे होंगे, वहीं मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के अंदर बिना भेदभाव गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके तक जितनी विकास की योजनाएं पहुंचाई हैं, 2 करोड़ आवास देना, 4 करोड़ परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देना, 12 करोड़ परिवारों को रसोई गैस के कनेक्शन देना, उसमें 8 करोड़ महिलाएं हैं जिनको निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन मिले हैं। प्रदेश के अंदर, यानी देश के अंदर 32 करोड़ परिवारों का जनधन योजना में अकाउंट खुल जाना, 50 करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रतिवर्ष 5 लाख की स्वास्थ्य की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराना, यह कार्य पहली बार हो रहा है। प्रदेश के अंदर 12 करोड़ परिवारों को एक एक टॉयलेट उपलब्ध कराना, यह उपलब्धियां हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य देकर के किसानों की आय को दोगुना करना, देश की सुरक्षा को सुदृढ़ीकरण करना, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की नौजवानों से संबंधित, गरीबों से संबंधित, किसानों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित वे नीतियां हैं जिन्हें खुशहाली की ओर भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ले गई। नहीं तो इतनी तब कांग्रेस है, इतनी इतनी सारी अगर उपलब्धियां हैं, जिसने लगातार जनता को गुमराह करने का कार्य किया, देश की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार से मजाक करने का कार्य किया, और लगातार देश के अंदर एक वातावरण देश के खिलाफ ही प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कल का ही जो वक्तव्य कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री का, एक विघटनकारी और विभाजनकारी वक्तव्य आया है, एक कांग्रेस की वास्तविकता को प्रदर्शित करता है। और मुझे लगता है देश कभी भी कांग्रेस की इन मंसूबों को स्वीकार नहीं करेगा। आप कमलनाथ जी का जिक्र कर रहे हैं, उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं जिन्होंने कहा कि दूसरे प्रदेशों से जो आए हैं, कहा ना कांग्रेस के, ये कांग्रेस की विभाजनकारी और विघटनकारी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। और मुझे लगता है राहुल गांधी जी को देश की जनता से इस प्रकार के बयानों के लिए माफी मांगनी चाहिए। योगी जी, आप सांसद थे, 2014 की बात है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था दिल्ली में, विजय गोयल जी ने बिल्कुल यही बात कही थी कि यूपी बिहार से दिल्ली में लोग नहीं आने चाहिए, ये बजट जो है ज्यादा उसमें चला जाता है। ये बिल्कुल वही बात है जो कमलनाथ जी ने अभी कही है। देखिए, कमलनाथ जी एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं, और देश का फेडरल स्ट्रक्चर है। आप अगर इस तरीके का वक्तव्य देकर के एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठ करके आप इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, मुझे लगता है इसको नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए। नहीं तो एक सांसद दे सकता है, मुख्यमंत्री नहीं दे सकता, ये भी तो सही नहीं है ना। जो बात गलत है वो गलत है। सांसद विजय गोयल जी का यह बयान इस रूप में नहीं था, एक
दूसरा, सांसद के पास कोई भी इस प्रकार के पावर नहीं होते हैं कि वह राज्य का एक कार्यपालिका का प्रमुख होने के नाते मुख्यमंत्री की जवाबदेही ज्यादा है, और मुझे लगता है इस प्रकार के वक्तव्य कहीं से भी नहीं आने चाहिए। ये इतना सब कुछ है तो जैसे आपने योजनाएं भी गिनाई, तो चिराग पासवान जी और दूसरे आपके साथी जो हैं वो लोग क्यों परेशान हैं? वो क्यों कह रहे हैं कि भाई इस तरह से बजरंग बली वाले, हनुमान वाले बयान नहीं होने चाहिए, राम मंदिर पे ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए? अगर सब कुछ इतना सही है और 50 करोड़ परिवारों को ये मिल गया, 12 करोड़ को ये मिल गया, 10 करोड़ को ये मिल गया, तो फिर तो चिंता की कोई बात नहीं है। चिराग पासवान क्यों चिंतित है? नहीं, आप ये मुद्दे तो आप ही उठा रहे हैं, हमने तो नहीं उठाया राम मंदिर का मुद्दा, हमें जहां उठाना होगा वहां उठा लेंगे। नहीं, चिराग पासवान जी ने बयान दिया है कि आपने जो आपकी चिंता नहीं होनी चाहिए। चिराग पासवान ने बयान दिया कि अगर इन मुद्दों पर फोकस रहता है तो नुकसान होगा। नहीं, सवाल ये है, हमने तो विकास और सुशासन की सुदृढ़ नींव की बात की, विकास और सुशासन के मुद्दे पर मैंने चर्चा की, विकास और सुशासन के परिणाम आए हैं, दुनिया का आज सुशासन देश के अंदर है, इसलिए दुनिया के अंदर सबसे अधिक निवेश भारत के अंदर हो रहा है, दुनिया के अंदर सबसे अधिक निवेश का डेस्टिनेशन के रूप में भारत माना जा रहा है, दुनिया की 3 उभरती हुई अर्थव्यवस्था में भारत आज सामने है, ये विकास और सुशासन की सुदृढ़ नींव पर हुआ है। ये मुद्दा आपके द्वारा उठाया गया था, आप लोग दोनों चीजें करेंगे तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती कि कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप, ये दोनों एक साथ नहीं चलेंगे, आप दोनों चीजों को एक साथ नहीं बोल सकते। तो आप स्टार प्रचारक लोकसभा इलेक्शन में भी रहेंगे पूरे देश में या सिर्फ उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करेगा और मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ बहुमत प्राप्त करेगी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार 2019 में फिर से बनेगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। आप स्टार प्रचारक होंगे, आप प्रदेश के बाहर भी जाएंगे प्रचार करने? पार्टी मुझे जहां भेजेगी, जहां लगाएगी, मैं वहां कार्य करूंगा, क्योंकि इस बार जो आपने जहां जहां प्रचार किया वहां फायदा नहीं हुआ, तो कहीं ऐसा तो नहीं पार्टी ये सोचे आपको उत्तर प्रदेश में ही रखना चाहिए? देखिए, ये पार्टी को तय करना है, ये आपको नहीं तय करना है, ये पार्टी को तय करना है कहां मेरी उपयुक्तता है।